and Rohit Sharma, the young captain, has done it. They've managed to win their first IPL, sixth edition. And Mumbai Indians have finally won the title that has been escaping. 2013 के उस दिग्विजय के पश्चात महान चिन्नाथला के चेन्नई को एहसास हो चुका था कि अब इस आईपीएल में एक ऐसा नया लीडर आ चुका है जो आईपीएल की इस दुनिया में रूल करने वाला है। परंतु 2014 मुंबई के लिए कुछ खास ना रहा और नतीजन दुनिया को वो महान योद्धा, वो नया लीडर अफवाह लगा। परंतु 2014 के बाद 2015 में एक बार फिर से उसने पलटवार किया और दूसरी बार अपनी टीम को अपनी कप्तानी के दम पर फाइनल में पहुंचा करके दुनिया को बता दिया कि वो कप्तान हवा का झोंका नहीं बल्कि एक तूफान है। एक बार फिर से मुंबई की टीम रोहित की कप्तानी में महान चिन्नाथला के चेन्नई के सामने थी। ये जंग आईपीएल इतिहास के दो सबसे बेहतरीन टीम, दो सबसे प्रबल कप्तानों के बीच होने वाली थी। एक अपने अनुभव के दम पर इस प्रतियोगिता पर अपना वर्चस्व, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था, वहीं दूसरा उस कप्तान के पदचिन्हों में चलने का फैसला कर चुका था। इधर दोनों टीमों के फैंस में अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। कोई मुंबई को बेहतर बता रहा था तो कोई चेन्नई को अपनी जान बता रहा था। कोई माही के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो कोई मुंबई के राजा को महान चिन्नाथला से महान बता रहा था। जिस टीम के जैसे फैंस, वैसी कहानियां, वैसी थ्योरीज संपूर्ण क्रिकेट जगत में फैल चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री। द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। ये कहानी वेस्ट वर्सेस वेस्ट की थी। दोनों टीमों के कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। क्रिकेट की दुनिया को एहसास हो चुका था कि ये फाइनल एक अलग अंदाज में खेला जाएगा। इस खेल के लिए दोनों टीमों के प्लेयर्स तैयार थे। धीरे धीरे वक्त टॉस की ओर पहुंच रहा था और मैदान का माहौल अपने हाई इंटेंसिटी को पार करने के लिए तैयार था। चेन्नई फैंस को अभी भी 2013 का वो दर्द चुभ रहा था, परंतु मुंबई फैंस में अभी एक और जीत की उम्मीद थी और इस जीत के लिए मुंबई के ये फैंस बेहद उत्साहित थे। अब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। धोनी ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतार दिया। मुंबई अपने प्राथमिक बल्लेबाजों के साथ अब मैदान में थी। पार्थिव और सिमंस को ओपनिंग करते हुए देख महेंद्र सिंह धोनी ने आशीष नेहरा को बॉल थमा दी। नेहरा ने पहले ही ओवर में पार्थिव पटेल को आउट कर मुंबई की उम्मीदों में एक पलटवार किया। मुंबई का पहला दाव चेन्नई के सामने असफल रहा क्योंकि अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का कप्तान, मुंबई का राजा, द कैप्टन हिटमैन रोहित शर्मा। दो साल पहले ठीक इसी मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने चिन्नाथला के चेन्नई को पराजित कर आईपीएल के इतिहास में पहली बार मुंबई को यह ट्रॉफी जिताई थी। अब दूसरी बार ऐसा मौका एक बार फिर से सामने आया था। दो साल पहले जो मैदान महान चिन्नाथला के उपनाम से गूंज रहा था, आज मैदान वही था, बस उपनाम बदल चुका था। आज ये पूरा मैदान हिटमैन के उपनाम से गूंज रहा था। हिटमैन ने आते ही मोहित शर्मा को रिमांड पर लिया और मोहित का स्वागत रोहित ने छक्के के साथ किया। इस छक्के के बाद रोहित ने बैक टू बैक दो चौके लगाए। फिर अगले ओवर में पार्थिव पटेल का विकेट लेने वाले आशीष नेहरा की खबर ली। हिटमैन महज 10 गेंदों में 25 के स्कोर को पार कर चुका था। हिटमैन का बल्ला अब मुंबई के लिए रन नहीं अंगार उगल रहा था। हिटमैन द्वारा मचाए गए इस तहचाल से संपूर्ण चेन्नई फैंस में भय और आतंक का माहौल था। इस भय और आतंक को देखते हुए कप्तान चिन्नाथला ने रविचंद्रन अश्विन को रोहित के सामने आक्रमण पर उतार दिया। परंतु अश्विन को आक्रमण में आता देख सिमंस ने अपने हाथ खोले और अश्विन के इस ओवर में महज एक छक्का और एक चौके की मदद से 12 रन पीट दिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर और इस ओवर को फेंकने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को मैदान पर उतार दिया। सिमंस ने एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को रिमांड पर लिया और रविंद्र जडेजा के इस ओवर में पहले दो चौके और फिर एक छक्का लगाया। पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के कब्जे में रहा। चेन्नई का हर दाव मुंबई के सामने विफल रहा। मुंबई ने पावर प्ले की महज 36 गेंदों में 61 रन पीट दिए थे। पारी का 8वां ओवर और एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के सामने। रोहित ने छक्के के साथ अश्विन को तारों का दीदार कराया। मची कुची का सर सिमंस अपने अंदाज में पूरी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के पराक्रम और करामात से
मुंबई महज 10 ओवर में 98 के स्कोर को पार कर चुकी थी। सिमंस का अर्धशतक आ चुका था, वहीं कप्तान रोहित शर्मा स्वयं 50 के करीब थे। 12वें ओवर में ब्रावो के सामने रोहित ने पहली बॉल पर इस चौके के साथ इस मैच में अपनी 50 पूरी की, परंतु इसी ओवर के 5वीं बॉल पर ब्रावो ने रोहित को अपना शिकार बनाकर चेन्नई की उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित कर दिया। रोहित शर्मा महज 25 गेंदों में 50 रन बनाकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब मुंबई की सारी उम्मीदें मुंबई के अगले बल्लेबाजों से थी, परंतु रोहित के जाते ही चेन्नई के गेंदबाजों ने सिमंस को पवेलियन की राह पकड़ा दी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, मुंबई के खाते में 146 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और मैदान में थे मुंबई के लिए अंबाती रायडू और कायरन पोलार्ड। मुंबई की अब संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों में थी कि ये दोनों मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर के जाएं। 17वां ओवर फेंक रहे आशीष नेहरा के पहले ही बॉल पर इसे एक छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की, क्योंकि कायरन ने नेहरा की इस ओवर में बैक टू बैक पहले छक्का फिर चौका फिर बैक टू बैक दो छक्के जड़कर 23 रन बटोर लिए। कायरन का आतंक और अंबाती का अंबार मुंबई को एक बेहतरीन फिनिश की ओर लेकर के जा रहा था, परंतु मोहित शर्मा ने पहले कायरन पोलार्ड को और फिर हार्दिक पंड्या को आउट कर अंत के ओवर्स में चेन्नई की वापसी करा दी। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई के खाते में 202 रन थे। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की एक महान विस्फोटक पारी 25 गेंदों में 50 रन भी शामिल थे। सिमंस ने 45 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं कायरन पोलार्ड ने महज 18 गेंदों में 36 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज डीजे ब्रावो रहे। ब्रावो ने 4 ओवर में 36 रन खर्च करके मुंबई के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 203 रनों की एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। ये लक्ष्य मुंबई के महान गेंदबाजों के सामने चेन्नई के लिए आसान नहीं होने वाला था, परंतु चेन्नई के फैंस को उम्मीद थी कि अगर उनके टीम में से कोई भी एक प्लेयर चल गया तो मुंबई का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य चेन्नई के लिए एक पठार साबित होगा। इस लक्ष्य वेदन के लिए चेन्नई की ओर से माइकल हसी और ड्वेन स्मिथ मैदान पर थे। चेन्नई और इन दोनों बल्लेबाजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, पावर प्ले खत्म होते होते जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा रन बटोरो। परंतु मुंबई के इन महान गेंदबाजों के सामने इनके उद्देश्य की पूर्ति आसान नहीं थी। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों को रोक कर रखा। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई के खाते में पहले 6 ओवर में महज 31 रन आते हैं और चेन्नई माइकल हसी के विकेट को खो चुकी थी। पावर प्ले पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में रहा और इस पावर प्ले के चलते मुंबई इस मैच में बेहद आगे जा चुकी थी। अब चेन्नई के लिए मिस्टर आईपीएल के साथ ड्वेन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था। चेन्नई के लिए संकट के बादल अब साफ नजर आ रहे थे, परंतु इन दोनों के रहते इस मैच की काया कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता था। चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के लिए शानदार बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। एक विशाल लक्ष्य का दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों में अब साफ नजर आ रहा था। चेन्नई के फैंस को भी अब एहसास हो चुका था कि मुंबई के सामने आसानी से रन नहीं मिलने वाले। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 67 रन थे। आस्किंग रन रेट 13 के ऊपर जा चुका था। इस रन रेट को देख करके ड्वेन स्मिथ ने हार्दिक पंड्या को रिमांड पर लिया और हार्दिक के इस ओवर में 3 चौके चढ़कर 14 रन बटोर लिए। चेन्नई की ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन स्मिथ 57 के व्यक्तिगत स्कोर पर हरभजन के सामने पगबाधा आउट हो चुके थे। ड्वेन के आउट होने के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों में भगदड़ सी मच जाती है। फिर 15वें ओवर में ड्वेन ब्रावो मुंबई के प्रहार से मैदान छोड़ चुके थे। अब ये मैच और इस मैच का पूरा कंट्रोल पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में आ चुका था। चेन्नई एक बार फिर से उसी जगह पर जा पहुंची थी जहां आज से 2 साल पहले थी। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में महज 112 रन थे और चेन्नई अपने 4 बड़े विकेट खो चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 18 के पार था और ऐसे में चेन्नई के सामने ये फाइनल जीतने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प था, प्रहार पर प्रहार। चेन्नई की सारी उम्मीदें अब चेन्नई के कप्तान महान चेन्नाथला से थी। अब चेन्नई के फैंस को एक ही उम्मीद थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कुछ खास कमाल कर दिखाएंगे कि एक तरफा इस मैच को जीत रही मुंबई इस मैच से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। परंतु चेन्नई की उम्मीदों में मलिंगा की ये यार कर भारी पड़ी। जिस कप्तान महेंद्र सिंह
धोनी से संपूर्ण चेन्नई फैंस उम्मीद कर रहे थे, वही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मलिंगा की इस वॉल के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। परंतु चेन्नई के फैंस को अभी भी उम्मीद थी और इस उम्मीद पर विनय कुमार का ये ओवर कुठारा घात का प्रहार करता है, जब चेन्नई के अगले दो बल्लेबाजों को मुंबई के तेज गेंदबाज विनय कुमार ने पवेलियन की राह पकड़ा दी। 19 ओवर आते आते चेन्नई के खाते में महज 140 रन थे। अब अगली 12 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी और चेन्नई अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से यह मैच जीतना चेन्नई के लिए आसान नहीं था, परंतु चेन्नई के लिए आखिरी लड़ाई चेन्नई के मोहित शर्मा अब लड़ रहे थे। मोहित शर्मा ने आखिर के कुछ ओवर्स में कुछ अच्छे शॉट्स लगा करके चेन्नई के फैंस का मनोरंजन किया और एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही चेन्नई को एक बड़ी हार से बचा लिया। 203 रनों को चेज करने उतरी चेन्नई 120 गेंदों में मैच 161 रन बना सकी। ये मैच और ये फाइनल अब पूरी तरह से मुंबई के कब्जे में आ चुका था। IPL के इतिहास में दूसरी बार मुंबई IPL के फाइनल को जीत चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा IPL का सबसे सफल कप्तान बन चुका था। मुंबई फैंस में जश्न का माहौल था। एक बार फिर से एक अनुभवी कप्तान के सामने एक युवा कप्तान की जीत होती है और इससे यह साबित हो चुका था कि ये कप्तान IPL की दुनिया को देखने नहीं बल्कि IPL की दुनिया में रूल करने आया है।